गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास फॉर सिक्स्थ क्लास साइंस. ओके, विच क्लास? सिक्स्थ क्लास साइंस. ओके, ऑलरेडी वी स्टार्टेड आवर लेसन. व्हाट इज़ आवर लेसन नेम? दैट इज सेवेंथ लेसन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. इन दैट फ्यू ऑफ द टॉपिक वी कंप्लीटेड. टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक. Okay, in previous class we discussed about the process of distillation. Today we are going to discuss about the sublimation. So what is in sublimation here? In order to separate the components of mixture, we make use of the difference in color, shape, size, weight and solubility. So what is there? यहाँ पर क्या है? Components को, जो mixture of components है उसको separate करना है. So in order to separate the mixture of components, to make use of the differences, जैसे अपने को उसके differences मालूम है, मालूम होना है, जैसे उसका color, shape, size, weight and solubility. Okay? Here, sublimation of camphor. Take a mixture of camphor and powdered salt in a china dish and cover it with a funnel. Close the tube of the funnel with cotton. Place the dish on the stand and heat it with a burner. So when camphor is heated, it is transformed into a liquid on directly change into gaseous form. Similarly, on cooling, the gaseous form of camphor change directly into the solid without going to the liquid state. Guess in some change found on heating salt, the process of which substances change directly from solid to gaseous form and vice versa is called as a sublimation. So here sublimation is nothing but here what we have to take. Firstly, we have to take here one china dish, and what we have to pour in that camphor. Camphor matlab kisko bolte hai? So what we have to take? We have to take here one china dish and we have to add in that camphor. Camphor मतलब क्या है यहाँ पे? कर्पूर बोलते हैं ना, वो camphor. और इसके अंदर powdered salt, जैसे powdered salt रहता है ना, वो add करके funnel के अंदर close the tube with the funnel with cotton. जैसे वो tube को क्या है? Close कर देना. किससे close करना है? Cotton से. और उसको stand पे लगा देके heat start कर देना with a burner. नेक्स्ट कैम्फर क्या है? कैम्फर हीट होता, हीट होने के बाद क्या है? कैम्फर क्या है? स्मोक आता. कैम्फर से क्या है? स्मोक आता, जस्ट गैस आता. ओके, नेक्स्ट जैसे हीट करते हो गैस आ जाता, जैसे अपना स्मोक्स आते, उसके फ्लेम्स आते, जैसे अपन उसको बंद कर देते, उसको क्या है? वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता, फिर वो गैसेस फॉर्म नया होता. जैसे कैम्फर है वो गैसेस फॉर्म में भी होता और ठंडा होने के बाद क्या है? सॉलिड फॉर्म में भी चेंज होता. वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. ओके, द प्रोसेस विच ए सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस. द सब्सटेंस विच इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस दैट इज कॉल्ड हैज इन एंड वाइस वर्सा. लाइक इन सॉलिड से गैसेस होता, हीट करने पर क्या रहता? पहले सॉलिड रहता, हीट होने के बाद क्या है? गैसेस फॉर्म में आता, फ्लेम्स आते, फिर अपन ठंडा कर देते, ठंडा करने के बाद फिर वो सॉलिड हो जाता. सो द रिपीटेड प्रोसेस इज कॉल्ड हैज एन सब्लिमेशन. ओके, नेक्स्ट हियर क्रोमैटोग्राफी. ए चॉक विथ डिफरेंट कलर्स. टेक ए होल स्टिक ऑफ वाइट चॉक अराउंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द चॉक. पुट इट इन द मार्क विथ ब्लू और ब्लैक इंक. नाउ पोर सम वाटर इन द प्लेट एंड कीप द पीस ऑफ चॉक इन द वाटर. एंश्योर दैट द वाटर इन द प्लेट इज वेरी लिटिल एंड डज नॉट टच द इंक मार्क. नाउ ऑब्जर्व द कलर पैटर्न्स दैट फॉर्म ऑफ द पीस ऑफ द चॉक आफ्टर सम टाइम. सो यहाँ पे क्या करना है? एक चॉक पीस लेना है. चॉक पीस लेके एक प्लेट है. सो नाउ पोर एक प्लेट के अंदर क्या है? चॉक पीस रखना है. चॉक पीस को एक इंक मार्क है, यहाँ पे दिख रहा आप लोगों को? एक मार्क रख लेना है. यहाँ पे मार्क दिख रहा? यहाँ पे मार्क रख लेना. और ये मार्क को नहीं टच होना कि उसके नीचे पानी डालना है. उसके बाद क्या है? वो उसको राउंड प्लेट्स इन एन वेरी लिटिल एंड डज नॉट टच द इंक मार्क. वाटर उसके अंदर कम रहना है और वो इंक मार्क को वाटर टच नहीं होना है. सो नाउ ऑब्जर्व द कलर पैटर्न्स दैट फॉर्म ऑफ ए पीस ऑफ ए चॉक आफ्टर सम टाइम. थोड़ी देर के बाद क्या करना है हमने को? चॉक का कलर टर्न हो रहा नहीं हो रहा, कौन से कलर में टर्न हो रहा ऑब्जर्व करना है. रिमूव द चॉक बिफोर द वाटर रीचेस इट्स टॉप. विच कलर्स डू यू सी ऑन द चॉक? फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉप ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ चॉक इन योर notebook the colors you have seen on the chalk. From where did these colors came? The ink appears to be made of a single color, but it is actually a mixture of many colors hidden in it. This method is an example of chromatography. Try to do this chromatography with different inks and find out the colors they obtain. तो क्या कर थोड़ी देर के बाद क्या होता है वहाँ पर? वो चॉक क्या है? रब होने के बाद वो उसका जो डस्ट पूरा क्या है? वाटर में मिलने के बाद क्या है? कलर चेंज अपीयर होता. क्यों होता वो कलर? वो इंक अपन डालने से वो कलर अपन चॉक को रब करने पर क्या होता?
होता वहाँ पे कलर ब्रश के अंदर जाके अपने को डिफरेंट कलर्स में दिखाई देता. सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कलर इनटू एन डिफरेंट कलर्स दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन क्रोमैटोग्राफी. जैसे एक कलर डालने पर अपने को कलर्स चेंज हो जा रहा है वहाँ पे, सो वो प्रोसेस को क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम द मिक्सचर. सो हाउ वी आर सेपरेटिंग द डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम द मिक्सचर. टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड सॉडस्ट एंड सॉल्ट इन ए बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. स्टिर द मिक्सचर वेल अलाउ टू द अनडिस्टर्ब फॉर 10 मिनट्स. सो वॉट वी हैव टू सेपरेट वॉट वी हैव टू टेक द मिक्सचर्स. यहाँ पर सैंड लेना है और थोड़ा डस्ट लेना है एंड सॉल्ट इन ए हाफ बीकर फिल्ड विथ वाटर. ये सारे जैसे सैंड मतलब क्या है, रेत, रेत लेना है, थोड़ा डस्ट लेना है और थोड़ा सॉल्ट लेके एक बीकर के अंदर डाल के उसको हाफ ऑफ द बीकर के अंदर मतलब आधा बीकर वाटर से फिल करके रखना है और उसको अनडिस्टर्ब रखना है थोड़ी देर के लिए. Think about the suitable methods to separate the substances that are floating, settle at the bottom of the beaker or dissolve in the water and write down in your note. Separation of substance is a very important scientific activity and it is also important in our daily life. We are using different types of separation techniques for various purposes to get desirable of material. So what we are observing, जैसे अपन पानी में इसको undisturbed रख दिए, जैसे sand है, sawdust है and salt है, तो जो जो dissolve होते हैं यहाँ पर salt क्या है, completely water के अंदर dissolve हो जाता है. अपने को दिखाई नहीं देता कि अपन सॉल्ट ऐड करें इसके अंदर, बल्कि अपने को टेस्ट करने पर ही पता चलता कि ये वाटर में सॉल्ट है या शुगर है. बल्कि नेक्स्ट सैंड क्या है, सैंड डिजॉल्व होता है, सैंड वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, वो नीचे जाके सेटल हो जाता. नेक्स्ट सॉडस्ट क्या है, डस्ट क्या है पूरा ऊपर आके फ्लोट हो जाता पानी के ऊपर, वो भी इसके अंदर पूरा कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता. सो दिस वी कैन सी द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द क्लास एंड रिमेनिंग टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन. टुडे वी कंप्लीटेड अवर लेसन एंड यू हैव टू कंप्लीट all the question answers which is there in the lesson. Okay, improve your learning. How many question answers are there? 11 question answers are there. So you have to complete the 11 question answers and send me the notes in the group. Thank you.